जानिथिबे इतिमध्यरे भारत सरकार चाइनीज एप्लीकेशन को टिकटॉक को बैन कर देछंती। तो जो टिकटॉक यूजर अछंती तांको मानकर कोन रिएक्शन आसंतु देखिबा। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए मैं नहीं रहूंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकटॉक मित्रों पता नहीं कौन से कितरो एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। लड़की रो रही है, टिकटॉक बैन हो रहा है, न्यूज में सुना है तो रो रही है, बुद्धू लोग के तरह, छोटे बच्चों के तरह। हाँ तो टिकटॉक बंद हो रहा है ना, तो सब लोग खुश हो कि टिकटॉक बंद हो रहा है। जाओ बाय। इंडियन गवर्नमेंट तुमने सही नहीं किया। देखो मुझे असली में डायलॉग बोलना पड़ रहा है, कोई साउंड इफेक्ट भी नहीं है पीछे। ओले शेले शूले मी। आप मुझे जवाब दीजिए, अब मैं 15 सेकंड की साउंड इफेक्ट पे डबिंग करके अपने एक्टिंग स्किल्स कैसे दिखाऊंगी? देख रहे हो कितना सही कर रही थी मैं। तो क्या आप सीपी के पार्कों में हैंग आउट करने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं रह गई है? अब क्या वहां पे सही में शॉपिंग करने और घूमने जाना पड़ेगा? पर टिकटॉक, इससे पहले कि तुम जाओ मैं तुमसे कुछ आखिरी शब्द कहना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम अपना साउंड इफेक्ट लगा के समझ जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को न्यूज़ तो मिली गई होगी, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन बहुत तकलीफ हो रही है। आज मेरी 14 लाख फैमिली मुझसे दूर हो जाएगी। पर दोस्तों, मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह मिलूंगी। प्लीज़ अपनी इस बहन को भूलना मत। और सच बताऊं तो मैं तो दिल से दुआ कर रही हूं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को मजाक लग रहा है कि हम दुआ कर रहे हैं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन मैं दिल से चाहती हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम तो नहीं गए ना चाइना इसको लेने, हम तो टिकटॉक इंडिया लिखते हैं, फिर ऐसा क्यों? प्लीज फ्रेंड्स, और अभी जो नई ऐप आई है इंडिया ऐप, मैंने उसको भी ज्वाइन कर लिया है, तो प्लीज आप लोग मुझे वहां फॉलो कर ले और प्लीज मुझे भूलना मत। आप लोग भी तो मुझे मिस करोगे ना, कमेंट में जरूर बताइएगा। लव यू ऑल, लव यू। बहुत बड़ी गलती हुई मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना के, जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, वैसे ही छोटे कलाकार से ही बड़ा कलाकार बनता है। मोदी जी आपने टिकटॉक बंद करवा के बहुत बड़ी गलती की। छी मोदी जी, शेम ऑन यू। छी, चाइनीज अपना दुश्मन है। चीन और सब चाइनीज आप बंद कर दिया तो कुछ ही रोजी।